हेलो एंड नमस्ते इंडिया आई एम गुरजीत कौर फ्रॉम कैनविन फाउंडेशन मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ टुडे आई एम वेरी ग्लैड टू शेयर दैट वी हैव अस डॉक्टर राकेश कुमार जैन हेलो सर डॉक्टर राकेश कुमार जैन सीनियर कंसल्टेंट हैं पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी के एट फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम में डॉक्टर सर ने यूके के ट्रेंड हैं और टेन ईयर एक्सपीरियंस्ड हैं इंग्लैंड में और इतना ही नहीं नाइनटीन ईयर्स इनको एक्सपीरियंस हो गया है इस फील्ड में डॉक्टर सर एक्टिव मेंबर हैं वेरियस इंटरनेशनल न्यूरोलॉजी सोसाइटीज़ के और इनिशियली वेरियस कोर्सेज चला रहे हैं पीडियाट्रिक एपिलेप्सी के इंडिया में इनकी तारीफ जितनी की जाए कम पड़ जाएगी और अगर मैं जारी रखूँगी तो हमारी वीडियो भी कम पड़ जाएगी सर मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू वेरी मच थैंक्स थैंक्स फॉर नाइस इंट्रोडक्शन आई I deserve this or not. <laughs> सर <laughs> no, no, सबसे पहले आप मैं गुजारिश करती हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में अपने फील्ड के बारे में थोड़ा बता दीजिए आई एम अ पीडियटिक न्यूरोलॉजिस्ट या चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट भी उसको बोलते हैं हमारा काम क्या होता है मेनली जो अठारह साल से कम के बच्चे हैं उसका न्यूरो फिजिशियन हूँ मैं नॉट न्यूरो सर्जन न्यूरो फिजिशियन जिसमें हम अठारह साल से कम के बच्चों को देखते हैं कौन सी प्रॉब्लम्स हम देखते हैं मेनली जैसे बच्चों में मिर्गी होती है या मिर्गी का शक होता है राइट फ्रॉम न्यू बॉर्न पीरियड से मिर्गी शुरू हो सकती है और आगे किसी भी एज में हो सकती है और मिर्गी की जो तकलीफ़ है छोटे बच्चों में कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है दूसरा हमारे पास आते हैं ऑटिज्म के बच्चे हैं जो टाइम से बोलना शुरू नहीं करते हैं नज़रें नहीं मिलाते हैं या डेवलपमेंट डिलेड हैं उठना बैठना टाइम से नहीं शुरू करते हैं बच्चों में हेडेक बहुत होता है कंसनट्रेशन कम है बहुत ज़्यादा शरारती बच्चे हैं एक जगह टिक के नहीं बैठते हैं ई के बच्चे हैं है ना इसके अलावा और बहुत सारी जेनेटिक और मेटाबॉलिक कंडीशंस होती हैं जैसे डाउन सिंड्रोम या जो हैं कुछ जेनेटिक न्यूरोडिजेनेटिव प्रो डिज़ीज़ होती हैं उनका मतलब क्या है कि एक बार बीमारी अगर शुरू हो जाती है बच्चों में तो बीमारी समय के हिसाब से आगे बढ़ती हुई चली जाती है जैसे आपने हाल ही में हमने एक बच्चा कवर किया था जिसको एस एम ए थी स्पाइनल मस्कुलरट्रॉफ़ी जो जेनेटिक डिज़ीज़ है और जिसको अगर समय पे ट्रीट न किया जाए तो दो ढाई तीन साल के अंदर बच्चे की मृत्यु तक हो जाती है तो एक बच्चे के लिए हमने इस कैनविन फाउंडेशन के माध्यम से ही हमने कैंपेन चलाया था जिसमें हमने 16 करोड़ की क्राउड फंडिंग रेज की थी और उस बच्चे को वो इंजेक्शन लगवाया था और बाई गोड्स ग्रेट द चाइल्ड इज़ डूइंग वेल एक्चुअली सो so ये एक स्पेक्ट्रम है पूरा का पूरा चाइल्ड न्यूरोलॉजी में जो एज अ चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट मैं देखता हूँ और उन बच्चों की समस्या समझने की कोशिश करते हैं और अपनी तरफ से हम वर्षक प्रयास करते हैं कि उनको कुछ ना कुछ हम सोल्यूशन दे सकें फैमिली को कुछ रिलीफ दे सकें ऑटिजम एक बहुत ही गंभीर बीमारी है कि आप हमें बताइए कि ऑटिज़म क्या है और इसके प्री सिम्टम्स uh, क्या होते हैं देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑटिज़म को एज अ गंभीर बीमारी के रूप में आप न लें मतलब इस चीज़ को ऑटिज़म है एक एक कंडीशन है आई वुड से जो एक तो न्यूरोटिपिकल चिल्ड्रन होते हैं जो समय से उठना बैठना चलना बोलना सीखते हैं और जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे जो बच्चे रहते हैं स्पेक्ट्रम मैं क्यों बोल रहा हूँ उसके बारे में बताऊँगा आपको तो वो एक डिफरेंट एक कंडीशन है आई वुड से लेट्स नॉट कॉल इट अ डिसऑर्डर या डिजीज़ या गंभीर बीमारी है ना तो वो थोड़ा सा लेट्स नॉट स्टिगमेटाइज ऑटिज्म के बहुत सारे बच्चे आप डे टू डे में देखेंगे दे डू वेरी वेल एक्चुअली नो दे आर वेरी गुड मैथेमेटिशियंस एकेडमिकली दे आर वेरी गुड तो वो उसको उस बीमारी की तरह लेवल पर्सनली आई डू नॉट वॉन्ट टू डू ठीक है तो ऑटिज़म में होता क्या है पेरेंट्स कैसे ऑटिज़म को आइडेंटिफाई करें ऑटिज़म एक इस तरह की कंडीशन है जिसमें जनरली पेरेंट्स को कैसे पता लगता है कि जी हमारा बच्चा जो है डेढ़ साल का हो गया है बोलता नहीं है बिल्कुल भी आंखें नहीं मिलाता है बिल्कुल भी और अपने आप में ही मस्त रहता है दूसरे के साथ नहीं खेलता है बच्चों के साथ नहीं खेलता है या कुछ उसके रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट होते हैं Uh, कई बच्चे ऐसे ऐसे हैंड फ्लैपिंग करते हैं या किसी चीज़ में अगर लीन है तो कारों में जैसे कार के पहियों से खेल रहे हैं uh, या मोबाइल में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं एंड दे नो मोबाइल वेरी वेल एक्चुअली नो यू विल बी सरप्राइज कि उनको आपसे ज़्यादा पता है कि यूट्यूब से कैसे चीज़ें निकालनी है कैसे सर्च करना है तो दे आर वेरी गुड एट इट लेकिन जहाँ पे ह्यूमन इंट्रैक्शन की बात आती है जहाँ पे वन टू वन बात करना है या आपके साथ इंटरेक्ट करना है वहाँ पे दे डोंट आई मीन दे डोंट गेट एनी इंटरेस्ट उनके नाम से आप बुलाओगे कि विक्की कम हेयर तो वो अपनी मस्ती में है उसको अपना नाम वो नहीं सुनेगा तो ये सब चीज़ों के अराउंड है ऑटिज़म में अगर मैं इसको एक संक्षिप्त में आपको बताऊं कि है क्या ऑटिज़म में जो बच्चे रहते हैं वो दे हैव अ प्रॉब्लम विद कम्युनिकेशन वो वर्बल कम्युनिकेशन भी हो सकती है नॉन वर्बल भी हो सकती है जैसे आप इशारा करके किसी को समझाते हैं अपनी बात आप कई बार नहीं भी बोलते हैं जैसे डमसराज आप खेलते हैं डमसराज में आप समझा देते हैं सामने वाले आदमी को कि ये मूवी का नाम है अपने तरीके से जो भी समझा के तो वो कम्युनिकेशन लैकिंग होता है इमेजिनेशन में प्रॉब्लम होती है इनको बच्चों को वो सब नहीं कर पाते हैं ये और काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट होते हैं इनके जो चीज़ में मज़ा आ रहा है वही काम करेंगे बाकी दुनिया से सोशल से समाज से उनको कोई लेना देना नहीं है बाय एंड लार्ज मतलब ये चीज़ें फ्लक्चुएट करती हैं और वाई आई कॉल्ड इट एज़ अ स्पेक्ट्रम ऐसा नहीं है कि ये कोई ब्लैक एंड वाइट चीज़ है कि आपको ऑटिज़म है और आपको ऑटिज़म नहीं है ये पूरा स्पेक्ट्रम है अगर हम एक से लेके कर वाले बच्चे हैं एक नंबर एक है जिसको बिल्कुल माइल्ड ऑटिज्म है इतना माइल्ड है कि कुछ लोग बोलेंगे ऑटिज्म है ही नहीं ये तो डॉक्टर ने गलत बताया है और एक है सौ नंबर वाला बच्चा जो बहुत सीवियरली ऑटिस्टिक है जिसको और कई सारी प्रॉब्लम्स हैं तो एक से सौ को अगर हम चढ़ते हुए क्रम में रखें तो ये स्पेक्ट्रम होता है पचास नंबर वाला बच्चा भी ऑटिस्टिक है और दस वाला भी ऑटिस्टिक है वैसे बोलने में लेकिन जो इस रेंज में जो बच्चे आते हैं ऑल दे आर ऑटिस्टिक बट

और क्वाइट अ वाइल एक्चुअली इन वेस्टर्न वर्ल्ड पर्टिकुलरली हमारे यहाँ पे उतनी अवेयरनेस नहीं थी हम डायग्नोस नहीं कर पाते थे लेकिन पिछले एक दो दशक में काफ़ी अवेयरनेस है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं वो अलग अलग कैंपेन चलाते हैं और पेरेंट्स को भी अब काफ़ी अवेयरनेस हो गई है ऑटिज़म के बारे में लेकिन अभी भी मेडिकल साइंस हम सौ परसेंट नहीं बता सकते आपको कि एक बच्चे का ऑटिज़म है तो किस कारण से ऑटिज़म है वेदर प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत हुई है कही कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूशन हर चीज़ का रहता है कि प्रेगनेंसी में मदर का हेल्थ कैसा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैसा आ, आ, मतलब न्यूट्रिशन लिया है उन्होंने बच्चा जब डिलीवर होता है वो बिल्कुल स्मूथ है या कोई प्रॉब्लम है कोई और चीज़ें साथ में हैं तो लेकिन एज सच प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत है उसकी वजह से ऑटिज्म है बताना मुश्किल है लेकिन येस इट कैन कॉन्ट्रीब्यूट तो मैसेज ये है कि येस जितना केयरफुली हम प्रेगनेंसी को हैंडल करते हैं डिलीवरी पे जितना फोकस करते हैं सब ठीक ठाक स्मूथ होता है तो तो लेकिन ऑटिज्म ऑटिज्म नहीं होगा। क्या ये जेनेटिकली भी होता है? हाँ जी, के अभी काफी जीन आ गए हैं, खैर करीबन आई वुड से अगर हम पूरा इन्वेस्टिगेट करते हैं आजकल इन्वेस्टिगेशन अवेलेबल है एक दो दशक पहले नहीं होती थी अभी जैसे हम ये क्रोमोजोमल माइक्रोवेरीज हैं कुछ कुछ डिलीशन स्टडीज होती हैं कुछ हमारी एग्जाम सिक्वेंसिंग है उन सबको मिला के अगर हम पूरा डिटेल एनालिसिस करते हैं तो करीबन 15 से 20 परसेंट जो ऑटिज्म वाले बच्चे हैं उनमें कहीं ना कहीं हमें जेनेटिक लिंकेज मिल जाती है और इवन मैंने इवन कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी हैं जैसे अभी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ मैं ओ पी करने जाते हैं कल जैसे रांची मेरी ओ थी तो एक फैमिली में दो बच्चे ऑटिज्म के हैं मतलब इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग एंड वेरी हार्टनिंग एज वेल टू सी एक्चुअली टू किड्स विद द सेम फैमिली ऑन स्पेक्ट्रम देन आपके दिमाग में चलता है कि ये नॉर्मल नहीं है ये दे हैज टू बी समथिंग तो उन केसेस को हम इन्वेस्टिगेट करते हैं डिटेल में जाते हैं तो उन दोनों आई आई विल नॉट ऑब्वियसली नेम वो कॉन्फिडेंशलिटी के कारण लेकिन उन दोनों बच्चों को हमने इन्वेस्टिगेट किया पूरा डिटेल में बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं जेनेटिक टेस्ट होते हैं एम वगैरह भी उन स्पेसिफिक केसेज में हर बच्चे में वो सब टेस्ट नहीं करने होते हमें तो वी फाउंड अ डिसऑर्डर और क्रिएटिन इन सिंड्रोम क्रिएटिन क्या होता है आपने कभी किसी हमारे बॉयज लोगों ने जो आ, आ, जो पहलवान जो दुकान में जाते हैं ना जो आपकी आ, जो न्यूट्रिशन जो बेचते हैं पाउडर वगैरह जो बेचते हैं प्रोटीन पाउडर तो बड़े बड़े डब्बे होते हैं क्रिएटिन के तो लोग बॉडी बिल्डिंग के लिए खाते हैं तो उसकी कई बार डेफिशिएंसी हो जाती है बच्चों में बिकॉज ऑफ ए जेनेटिक डिफेक्ट तो उसको हम सप्लीमेंट करें तो उससे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल जाता है तो देर इज़ अ लॉट ऑफ लिंकेज बिटवीन जेनेटिक्स एंड ऑटिज्म एंड वी हैव सीन आई मीन आई हैव एटलीस्ट टेन फैमिलीज जिनमें दो बच्चे ऑटिज्म के हैं तो येस इट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स टू बी केयरफुल एंड टू बी विजिलेंट अबाउट इट और अगर एक बच्चे को ऑटिज़्म है एंड दे आर प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट चाइल्ड तो ये जेनेटिक च उनके दिमाग में ज़रूर होनी चाहिए एक क्वेश्चन जो हम सब के माइंड में बहुत आता है कि क्या ऑटिज़म वाला बच्चा नॉर्मल लाइफ जी सकता है हाँ जी बिल्कुल जी सकता है डिपेंड करता है जब इनिशियली कितना जल्दी हम उस बच्चे को डायग्नोज करते हैं ग्रेडिंग क्या है बच्चे की जैसे मैंने बताया जो हमारे माइल्ड स्पेक्ट्रम वाले बच्चे हैं वो ऑलमोस्ट मोर देन 50 60 परसेंट बच्चे ऐसे हैं जो मेन स्ट्रीम स्कूल में जा पाते हैं और रिलेटिवली नॉर्मल लाइफ जी पाते हैं अपने इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और आगे परिवार अपना बना सकते हैं सो दैट इज़ पॉसिबल लेकिन की इसमें यही है कि जितना जल्दी हम उसको पकड़ लें इन्वेस्टिगेट करें और जो बन सकता हो ऑटिज़म में जैसे ऑटिज़म का मैं आपको थोड़ा सा आ, कुछ तो थेरेपीज़ उसमें होती है जो हम देते हैं देर आर लॉट्स ऑफ थेरेपी सेंटर्स पर्टिकुलरली तो मेटारोज में सेंटर काफ़ी हैं लेकिन अगर आप थोड़ा दूर दराज में चले जाते हैं तो सेंटर्स ढूंढना और जो जो थेरेपीज़ कराने वाले जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको नहीं मिलते हैं ठीक है तो अगर हम वो थेरेपीज़ प्रॉपर करते हैं बच्चों को डायग्नोज करते हैं कोई कॉज अगर मिलता है जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल बताया था तो वो कोज अगर ऐसा कहीं मिल जाए तो टारगेट थेरेपी हम दे सकते हैं तो इन बच्चों से काफ़ी उम्मीद की जा सकती है क्या ऑटिज्म के कोई स्टेजेस और टाइप्स होती हैं जो आ, मतलब बच्चों में हमें पता चल जाए कि ये इसकी स्टार्टिंग है और ये नॉर्मल नहीं है बच्चा बहुत ज़्यादा अगर एक्टिव भी है तब भी कैसे पता चल जाएगा कि ये ऑर्टिज़म की स्टेज है हाँ काफ़ी है ऐसा मतलब ऑर्टिज़म इज़ अ क्लिनिकल डायग्नोसिस उसका कोई बायोमार्कर नहीं है जैसे मलेरिया के लिए हम एक ब्लड टेस्ट करते हैं और वो स्लाइड में दिख जाता है हम बोलते हैं मलेरिया पॉजिटिव है जैसे कोविड का है वो आर टी पी करके हम बता देते हैं अभी आपको कोविड है आपको नहीं है इस तरह से ऑटिज़म का कोई डायरेक्ट बायोमार्कर नहीं है कि हम एक टेस्ट करें और हम बोल दें ऑटिजम पॉजिटिव ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है तो उसके लिए काफ़ी क्लिनिकल टूल्स अवेलेबल हैं जैसे कार्स है आइसा है एडोस है जिसके बेसिस पे हम कुछ स्कोरिंग भी कर सकते हैं बता सकते हैं कि किस ग्रेड में ऑटिज़म है और कितना आगे प्रोग्नोसिज हो सकता है विद थेरेपीज एंड अगर अर्ली स्टेज पे उसको डायग्नोस कर लिया जाए तो क्या बच्चे के चांसेस हैं कि वो हाँ जी बिल्कुल तो इसकी मेडिसिन खानी पड़ती हैं देखो एज सच जो मैंने आपको वो एक मेटाबॉलिक बताया है क्रिएटिन डेफिशिएंसी उसको आप हटा दीजिए क्योंकि मेजोरिटी केसेस में आपको कॉज नहीं मिलता है तो उन केसेस में जहाँ पे हमारे पास कोई सॉलिड रीजन नहीं है इसकी कोई मेडिसन नहीं होती है सबसे बड़ी बात यह कोई ऐसी दवा नहीं है हम दे दें एक महीने खिला दें और एक्टोलिज्म ठीक हो जाएगा थेरेपीज़ आर द मेन स्टे ऑफ द ट्रीटमेंट ऑन टॉप ऑफ थेरेपीज़ डिपेंडिंग अपॉन वी डू नॉट वॉन्ट एनी न्यूट्रिशनल डेफिशेंसी इन दिस किड्स तो हम मेक श्योर sure करते हैं कि बी ट्वेल्व विटामिन डी ओमेगा थ्री ये सब चीज़ें ठीक हों बच्चे के अंदर अगर कम है, तो हम उनको सप्लीमेंट कर सकते हैं जिससे थोड़ी मदद हमें मिल सकती है ओके डॉक्टर साहब आप कोई टिप्स और बताना चाहेंगे या कुछ ऐसी सलाह पेरेंट्स को देना चाहेंगे जिससे वो इस चीज़ को अवॉइड कर सकें प्रिवेंट कर सकें देखो प्रिवेंशन का तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि पेरेंट्स शुड नॉट फील गिल्टी अबाउट इट कि हमारे बच्चे को ऑटिज्म हुआ कई पेरेंट्स इसे आते हैं हमारे पास खासतौर पे लॉकडाउन के बाद कि हम लोग वर्क फ्रॉम होम थे मैं भी काम कर रहा था और मेरी वाइफ भी काम कर रही थी एंड द चाइल्ड यूज टू सी लॉट ऑफ यूट्यूब एंड टी और उसके कारण से हो गया जनरली ऐसा नहीं है वी कैन नॉट इस्टेबलिश डायरेक्ट यू नो कॉजल रिलेशनशिप विद वॉचिंग स्क्रीन लेकिन वॉट जनरली से कि स्क्रीन से बच्चे को थोड़ा दूर रखना चाहिए ठीक है छोटे बच्चे को तौर पे, ज़्यादा उसको यूट्यूब या टी वी कार्टून डिपेंडेंट ना बनाएँ खास तौर पे खाते हुए पेरेंट्स मैंने देखा है किसी कार्टून में बच्चे को बिज़ी कर दिया एंड दे स्टार्ट फीडिंग द चाइल्ड विच इज़ रॉन्ग प्रैक्टिस ठीक है तो स्क्रीन टाइम मिनिमम करना चाहिए ठीक है उसके अलावा अगर बच्चे को कोई सिम्टम है तो जल्दी उसको पकड़ें डॉक्टर से सलाह लें अपनी और उसके बाद अगर हम इस्टैब्लिश भी कर लेते हैं कि ऑटिज़म है तो भी स्क्रीन टाइम कम रखना है प्ले टाइम ज़्यादा होना चाहिए पेरेंट्स खुद बच्चे के साथ समय बिताएं प्ले स्कूल इज़ ए वेरी गुड ऑप्शन कई बार बहुत माइल्ड सिम्टम होते हैं आपको लगता है नहीं नहीं मेरे बच्चे को ऑटिज़म नहीं है और मेरे को सेंटर में नहीं डालना है फ़ाइन एब्सोल्युटली फ़ाइन लेकिन कम से कम जो भी नज़दीकी प्ले स्कूल है आपके क्रैच है उसमें भेजो बच्चे को बच्चे को जितना सोशली चैलेंज होगा बच्चा इंट्रैक्ट करेगा उतनी उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी ठीक है तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और बाकी तो फिर बच्चा हमारे पास आता है तो हम बता ही देते हैं थैंक यू सो मच सर थैंक यू वेरी मच सो व्यूवर्स ये था हमारा आज का सेशन ऑप्टिमिज्म के ऊपर सो नेक्स्ट टाइम आपको फिर मिलेंगे हम एक नए साथ नए डॉक्टर के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए खुश रहिए थैंक यू सो मच